तो भक्ति मार्ग में ध्यान इसी को बोलते हैं, दर्शन समानाकार वृत्ति को, कि हम उनको देख रहे हैं और हमारे आराध्य देव हमको देख रहे हैं, एकदम तल्लीनता। ये भक्ति मार्ग का ध्यान है। ज्ञान मार्ग का ध्यान फिर निषेध का भी होता है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति ध्यान में आई तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मिथ्या है, शांत, ये उनका है। भक्ति मार्ग वालों को ज्यादा आनंद आ सकता है, क्योंकि उसमें केवल साधक का, भक्त का ही संकल्प काम नहीं करेगा, भक्त की तपस्या ही काम नहीं करेगी उसमें। फिर वो जितनी तल्लीनता से अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहा है, गुरु की शक्ति काम करेगी। फिर वो तो मानो जैसे बेटा बाप के पास आ गया, माँ के पास आ गया, बस अब माँ अपने आप सारा काम करेगी। तो ये बहुत फायदा कारक है। जैसे कई लोग गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उसको एक टक देखते हैं, तो वो भी उस समय यही दर्शन समानाकार वृत्ति पैदा हो जाए। जैसे हम गुरुदेव के सामने होते हैं, बापू हंसते हैं तो कैसा आनंद होता है ना, गुरुदेव मुस्कुराते हैं या हमारे तरफ मीठी नजर डाल देते हैं तो हमको खुशी होती है। उनका हमें देखकर हंसना, उनका हमारे सामने देखकर कुछ बोलना, कैसा एकदम उस समय और कुछ रहता ही नहीं ना। ऐसे ही भक्ति मार्ग का ध्यान है दर्शन समानाकार वृत्ति, कि बिल्कुल वो हमारे सामने देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, ये भक्ति मार्ग का ध्यान है। इतनी तन्मयता कि शेष सब भूल जाए और कुछ रहे ही नहीं। आप ये दर्शन समानाकार वृत्ति का, भक्ति मार्ग का ध्यान करके देखना। बहुत आनंद आएगा। खाली आप ऐसा थोड़ी एक दो मिनट के लिए भी तल्लीनता से सोचोगे भी ना ऐसा, तो तुरंत आपका हृदय भक्ति से भरने लगेगा। और उठने की इच्छा न होगी, किसी से कुछ बात करने की या कुछ खाने की भी इच्छा नहीं। इतनी शांति, इतनी आत्मिक शीतलता, निर्मलता, पवित्रता, उसका अनुभव साधकों को होगा। और आप जैसे सत्संगी भाई बहनों को तो जल्दी हो सकता है, कईयों को होता भी होगा, हो सकता है और ज्यादा होगा, और ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होगी। और गुरुदेव तो चाहते हैं कि हम सब साधक भाई बहनों की साधना में उन्नति हो, यही तो चाहते हैं। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। गुरुदेव भी चाहते हैं, और हम भी अगर गुरुदेव को, गुरुदेव के इस हमारे प्रति शुभ आशीर्वाद को हम भी अगर उसी तरफ उन्मुख होकर सहायता करेंगे तो जल्दी फायदा होगा और गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे। एक संत थे, वो किसी धनवान आदमी के यहाँ हल जोतने की नौकरी करते थे, किस खेत में, जैसे किसान हल चलाते हैं। महात्मा को था कि मैं दान का न खाऊं, मेहनत करके खाऊं। तो खेत में हल चलाते चलाते कई बार आंखें बंद हो जाती और अपने इष्ट का ध्यान करते जाते थे। इस कारण कभी कभी कुछ भूमि जोतने से छूट जाती थी। तो किसी ने जाकर सेठ को शिकायत की। शिकायत करने वाले लोग होते हैं ना, उनको और कोई धंधा ही नहीं होता। तो किसी ने शिकायत कर दी कि आप जिसके भरोसे बैठते हो वो तो ठीक से काम नहीं करता है, बैल चल रहे हैं, उनकी लगाम पकड़े चरवाहा भी चल रहा है, आंखें बंद रहती हैं,
सेठ ने कहा मैं देखूंगा। सेठ आया तो देखा सचमुच वो महात्मा की आंखें बंद थी, तो आकर जोर से धक्का दे दिया। धक्का दिया तो बाबा गिर पड़े, 55-60 साल उम्र थी, गिर पड़े। सेठ ने गुस्से में कहा हल चलाता है या सोता है बाबा? तो जो ही बाबा गिरे तो बाबा के गिरते ही एक कटोरा गरम गरम कढ़ी से भरा हुआ वो जमीन पे गिरा हुआ दिखा। कढ़ी ढुल गई है, आधी कटोरे में है आधी ढुल गई है जमीन पर। तो सेठ को काटो तो खून न निकले, इतना आश्चर्य कि बाबा तो हल चला रहे थे, हाथ में तो कुछ था नहीं, और ये गरम गरम कढ़ी कहाँ से आ गई? और एकदम गरम है, जैसे मानो अभी रसोई घर से कटोरे में भरकर किसी को खाने के लिए दे रहे हो, और इतनी सुगंध अच्छी आ रही है इसकी कढ़ी की, ये कढ़ी कहाँ से आई? तो पूछा कि महाराज कढ़ी कहाँ से आई, कैसे आई, आपके हाथ में तो कुछ नहीं था। तो बाबा की आंख गीली हो गई। बाबा ने कहा कि मैं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर रहा था, सब्जी दे दी थी ठाकुर जी को, पूरी भी दे दी थी, चावल भी दे दिए थे, कुछ मीठा बनाया था वो भी भगवान को दे दिया था, बस कढ़ी तैयार करके दे ही रहा था, इतने में आपने मेरे को धक्का दे दिया। कटोरे में कढ़ी अर्पण करने ही जा रहा था, आपने धक्का दे दिया इसलिए कढ़ी हाथ से छूट कर गिर पड़ी। अब आप देखो, मन में विचार आ सकता है कि संकल्प की कढ़ी स्थूल रूप धारण करके बाहर कैसे आ गई? वो तो भावना से अर्पण कर रहे थे, दर्शन समानाकार वृत्ति की तरह कि सामने वो बैठे और हम उनको दे रहे हैं, तो संकल्प से हुआ ना। तो संकल्पित कड़ी स्थूल रूप धारण करके कैसे बाहर आ गई? तो देखो, जहां दृढ़ भावना होती है, दृढ़ संकल्प होता है, तो उससे जैसे ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से ही तो ये संसार बनाया, ये सृष्टि ब्रह्मा जी की संकल्पित सृष्टि है। भगवान विष्णु ने मन के संकल्प से ही उर्वशी को प्रकट किया था। तो ये दृढ़ धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रभाव था महात्मा की कि कड़ी गिरी हुई दिखी। केवल जो अभिमान छोड़कर निरहम हो जाता है और तल्लीनता पूर्वक अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव से उनके तरफ देखता है, उनका ध्यान करता है, तो उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु को ये आसक्ति बहुत पसंद थी, इसको चैतन्य महाप्रभु ने परम विरह आसक्ति कहा। परम विरह आसक्ति, जब शिष्य से गुरु दूर हो और गुरु की याद आए ज्यादा, वैसे तो थी ही पर उस समय और ज्यादा आए, और चैतन्य महाप्रभु को यह विरह आसक्ति बहुत पसंद थी। दरिया हरि कृपा करी, दरिया साहब संत हो गए, दरिया हरि कृपा करी जो विरह दिया पठाए, ईश्वर ने कृपा की जो मेरे को उनका विरह दे दिया। वो भी भाग्यशाली को मिलेगा कि उनसे बाहर से थोड़ी दूरी हो तो उनकी याद ज्यादा सताए, नहीं तो मनमुख को तो स्वतंत्रता मिल गई, अब मैं जो चाहे खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं, कोई भाई अब तो गुरुजी दूर हैं मैं दूर हूं, जो मन में आए वो करूं, उसको याद नहीं आएगी, उसको उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने की बात सूझेगी। पर जो भक्त होगा, जिस पर ईश्वर मेहरबान होगा, दरिया साहब कहते हैं जब उससे गुरु दूर होते हैं बाहर से, तो दरिया हरि कृपा करी जो विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता दिया जगाए, इस विरह ने मेरे अंदर रही हुई साधुताई को जगा दिया, मेरे में साधुताई जाग गई। साधुताई यही तो है,
भरत जी भगवान राम के भाई जब प्रयागराज में आए थे, त्रिवेणी संगम पर पहुंचे थे और प्रार्थना की, तो प्रयागराज ने भरत जी को ये कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम हर तरह से साधु हो। अब भरत जी ने कोई साधु के कपड़े तो पहने नहीं थे, पर फिर भी प्रयागराज ने उनको साधु कहा, क्योंकि जिसके दिल में अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट, अपने गुरु के लिए अनन्य प्रेम, निष्ठा, विश्वास हो, वो साधु है। फिर भले साधु के कपड़े न पहने हो। शबरी ने कौन से साधु के कपड़े पहने थे, पर फिर भी साधु महात्मा जब भगवान राम शबरी की कुटिया पर आए तो संतों ने आकर कहा कि पंपा सरोवर का पानी दूषित हो गया है, आपके चरण डालो ताकि सरोवर का पानी शुद्ध हो और हम लोग सुबह स्नान कर पाए उसमें। भगवान ने कहा कि मेरे चरण डालने से शुद्ध नहीं होगा, शबरी को ले जाओ, ये अपने चरण रखेगी तो सरोवर का पानी शुद्ध हो जाएगा। और इतने बड़े साधु महात्मा, उनके चरण से पानी शुद्ध नहीं हुआ, शबरी ने साधु के कपड़े नहीं पहने थे, पर दिल में साधुता ही थी और उसके चरण रखने से पंपा सरोवर का पानी शुद्ध हो गया। तो फिर साधु महात्माओं ने उसमें स्नान करना शुरू किया शबरी के चरण पड़ने से। शबरी में ये थी दर्शन समानाकार वृत्ति, सामने राम जी थे फिर भी राम जी नहीं दिख रहे थे, उसको अपने गुरु दिख रहे थे, इतनी दर्शन समानाकार वृत्ति प्रगाढ़ थी उसमें। स्वामी विवेकानंद की दर्शन समानाकार वृत्ति खूब थी, शांत बैठते थे और उनको अपने गुरु दिखते थे सामने। जिसका भी अपने आराध्य, अपने गुरु के चरणों में प्रेम हो, बापूजी का सत्संग गांधीधाम में था तो गांधीधाम से गुरुदेव आदिपुर लीलाशाह बापू की समाधि है वहां पर, वहां गए। वहां से गुरुदेव लौटे तो जो व्यवस्थापक थे, संचालक, उनको कहा कि आदिपुर लीलाशाह बापू की समाधि पर एक वहां तस्वीर है लीलाशाह बापू की, आपने, हमने लीलाशाह बापू की तस्वीर ऐसी देखी है, सिर पे कपड़ा बंधा हुआ है, पर वो तस्वीर ऐसी थी उसमें लीलाशाह बापू के सिर पर कपड़ा बंधा हुआ नहीं था, पूरा चरण सहित का फोटो था बैठे हुए लीलाशाह बापू। तो गुरुदेव ने संचालक को कहा कि वहां से अपने को कुछ भी करके वो तस्वीर लानी है, वो चाहिए मुझे। अब बापू जी एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके कि जहां गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं, फिर भी अपने गुरु की तस्वीर के लिए कितना प्रेम। और वो तस्वीर मंगवाई, वो तस्वीर गुरुदेव ने अहमदाबाद आश्रम में, वाटिका जहां गुरुदेव रहते हैं, वहां वो तस्वीर लगाई और गुरुदेव ने मुझे बताया कि देख, ये तस्वीर मेरे गुरुदेव की है। मैं आदिपुर गया वहाँ समाधि पर, बापूजी बोले मुझे तस्वीर बहुत अच्छी लगी इसलिए मंगाई है वहाँ से। अब जहाँ गुरु नहीं, शिष्य नहीं, इतनी ऊंची स्थिति पर पहुँच गए, फिर भी गुरु के लिए प्रेम कितना के तस्वीर मंगाकर अपनी वाटिका में वहाँ गुरुदेव ने लगवाई।